अब BSNL मौके का फायदा उठाते हुए जिस तरह से जबरदस्त एंट्री मार्केट में मार रहा है, उसने जियो, एयरटेल और VI इन तीनों कंपनियों की नींद हराम कर दी है। क्योंकि जब से जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है, तब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सिम को BSNL में पोर्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों ने BSNL में पोर्ट करने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। अब BSNL इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों को उनकी औकात दिखाने जा रहा है। वहीं BSNL जो अब तक चुप बैठा था, लगभग विलुप्ति के कगार पर था, अब मार्केट में नए प्रकार से एंट्री मार रहा है। आप भी BSNL की इस मुहिम के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 5 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इस बात से काफ़ी मदद मिलती है। BSNL को जैसे ही यह रियलाइज हुआ कि जियो, एयरटेल और VI तीनों कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 20-25% तक महंगा करने जा रही हैं, तो BSNL पावर में आ गया और अपने टावर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां किसी को खबर भी नहीं थी कि BSNL मार्केट में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही इन तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज को बढ़ाया, BSNL ने 10,000 नए टावर लगाकर उन टावरों को एक्टिव कर दिया, और BSNL के द्वारा अगले कुछ ही दिनों में और भी कई हजार टावर लगाने की मुहिम चल रही है। और हम आपको बता दें कि ये टावर जो BSNL लगा रहा है, ये अभी 4G टावर है, लेकिन 2025 तक इन्हीं टावरों को 5G में कन्वर्ट कर देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों ने जियो बायकॉट और पोर्ट टू BSNL का मुहिम चला रखा है और ये ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। एक ही झटके में जियो, एयरटेल और VI इन तीनों कंपनियों ने मिलकर 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। मगर इसके बाद मार्केट में BSNL की पुनः एंट्री हो चुकी है। BSNL अब मौके पर चौका लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए उन्होंने अच्छे अच्छे प्लान्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर लोगों का ट्रस्ट जीत पा जाता है BSNL, तो निश्चय ही इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। BSNL की इस मुहिम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।